मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अभी हम हैं रामेश्वरम में। आप लोगों को पता होगा रामेश्वरम के बारे में, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है रामेश्वरम पुरम। और अभी हम रुके हैं एक धर्मशाला में और दिखाते हैं भाई, ऐसा चटाई है और सारा चटाई में ही सारा बैग वगैरह हम रखे हुए हैं इधर ये सब। और इधर भी कुछ रखने के लिए जगह, एक वो पंखा लगा हुआ है और एक बोर्ड लगा हुआ है। अरे भाई साहब, बहुत बहुत सुन रहे तो अभी हम हैं पोडार धर्मशाला और अंकल रहे इस धर्मशाला के मालिक समझ लो। और यहाँ पे मेरा कुछ हो गया है 3 दिन। और ये जो धर्मशाला है ना, ये रामेश्वरम मेन मंदिर के सामने ही है। और रामेश्वरम में इस तरह के बड़े बड़े 4 मान लो कि मुख्य गेट है, दरवाजे हैं, जहाँ से आप मंदिर के अंदर जा सकते हो और दर्शन कर सकते हो। और बाकी अभी जा रहे हैं रामेश्वरम का जो मेन बीच है ना, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, तो वहाँ पे भी सब रोड के साइड में सोए हुए हैं। हाँ जी, तो अभी हम हैं रामेश्वरम सी बीच के साइड, रामेश्वरम जहाँ पे भगवान राम श्रीलंका जाने के लिए एक यूँ मानो तो राम सेतु बनवाए थे। और रामेश्वरम अभी तीर्थस्थल बन गया है। और आप लोग को पता होगा ना कि इंडिया में 4 धाम है, और अगर कोई 4 धाम यात्रा कर ले तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4 धाम में से कौन कौन सा है? पहला द्वारिका और पूरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। तो जो रामेश्वरम है ना, ये 4th नंबर में है। यहाँ से मंदिर रह गया कुछ 100 मीटर, और जो रामेश्वरम का जो सी बीच है ना, वो रह गया कुछ 10 से 20 मीटर। और रामेश्वरम में आपको इस तरह का जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये रामायण से लेके ही है। जैसे कि ये देख लीजिए, वानर सेना जब राम सेतु बना रहे थे उस टाइम का है। और ये भी देख लीजिए, भगवान राम सीता और लक्ष्मण जब श्रीलंका जा रहे थे उस टाइम का सीन है। और बाकी इसी तरह आपको वेव मिलेगा यहाँ पे, काफ़ी धार्मिक स्थल है ना, तो वेव काफ़ी बहुत बढ़िया मिलेगा। बाकी ऋषि मुनि सब इधर ही सोए हुए हैं जी। और रामेश्वरम तीर्थ स्थल के साथ साथ टूरिस्ट प्लेस बन गया है। जैसे यहाँ पे जो धनुषकोटी है, धनुषकोटी पम्बन ब्रिज, तो ये सब थोड़ा घूमने वाली जगह है। तो आप अगर रामेश्वरम आते हो तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 दिन काफ़ी है आपके पास, थोड़ा कम। तो रामेश्वरम में 2 दिन आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो? तो पहला दिन सबसे पहले आप पम्बन ब्रिज देख सकते हो, और उसी दिन में आप जो रामेश्वरम मंदिर है ये आप दर्शन कर सकते हो। और दूसरा दिन में आप धनुषकोटी जा सकते हो, और तीसरा दिन में वापस अपने घर। और अब हम बात करेंगे रामेश्वरम में होटल लॉज और यहाँ का जो धर्मशाला है ना, इसके बारे में। डोमेट्रीज तो है नहीं, डोमेट्री भूल जाओ भाई। तो धर्मशाला की बात करें तो एक रूम आपको 350 में मिल जाएगा। और उस धर्मशाले में, मतलब उस रूम में
आप कितना कोई एडजस्ट कर सकते हैं, 5, 10, 15, और साथ में खाना पीना भी बना के खा सकते हैं। और यहाँ पे होटल की बात करें तो बहुत सा होटल है, 600, 700, 800। अगर 2 से 3 कोई आते हैं ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपस में जो रेंट है, जो भाड़ा है, वो आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर अकेले आते हो रामेश्वरम घूमने के लिए तो थोड़ा दिक्कत होगा। कि सबसे पहली बात यार, रामेश्वरम में आपको सिंगल रूम मिलेगा नहीं। अगर अकेले बंदे आते हो ना तो रूम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे साथ हो चुका है, 1 से 1.5 घंटे का इंतज़ार के बाद एक धर्मशाला में हमें रूम मिला। और कैसे मिला इस बारे में हम बात करेंगे। और जहाँ हम पिछले 3 दिनों से खाना खा रहे हैं ना, तो वहाँ पे अभी आए हैं। केला का पत्ता, और यहाँ पे रूम का बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले अकेले में रूम तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कहीं मिलेगा ना तो 400, 500, मिनिमम 500 से स्टार्ट है। और अगर धर्मशाला में यहाँ पे रुकना चाहते हैं अकेले तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए आपको आईडी प्रूफ और साथ में अपने फैमिली मेंबर का मतलब कि फैमिली मेंबर में जो हेड है ना उसका फ़ोन नंबर। इसका कारण ये है ना कि 4 से 5 महीने पहले जो भी अकेले ट्रैवल करके आया है यहाँ रामेश्वरम, उन लोग सुसाइड कर लिया है, तो ऐसा कुछ कारण है यार। और यहाँ के जो पुलिस है ना, जो रामेश्वरम का जो पुलिस है, वो सख्त मना किया है कि कोई अकेले रामेश्वरम आए तो उन लोग के लिए रूम वगैरह देना नहीं। डोसा, थैंक यू। अभी खाने में क्या है, डोसा और इसके बाद पराठा, बड़ा कम। हिंदी दाल, दाल प्याज, ₹60। टुमारो आई विल इस होटल में करीब 3 दिनों से हम खा रहे हैं, और 2 बार बोतल भी ले लिए, मतलब उसके पास वेस्ट बोतल ऐसे था खाली पड़ा हुआ, तो हम बोले यार पानी डाल दो तो रूम में पीने में काम आएगा। और बाकी यार तमिलनाडु में अभी तक हमें लोग बहुत बढ़िया मिले हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ पे बात कर रहे थे होटल और धर्मशाला के बारे में, तो धर्मशाला का रेट क्या है, 350 रुपये पर डे एक रूम दिया जाएगा, और उस रूम में आप 10-15 बंदे कितना भी रह सकते हो। और होटल का अगर बात करें तो 400 से 500, मिनिमम 500 से स्टार्ट है यहाँ पे होटल, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 3000, 4000 ऐसे करते हैं।